हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको जापान में क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उन चीजों के बारे में बताऊंगा। जापान दोस्तों ईस्ट वर्ल्ड का बहुत ही विकसित देश है, पूर्व में बहुत विकसित देश है। और जापान की जो दोस्तों राजधानी है वो है टोक्यो। वहाँ यहाँ की मुद्रा जापान की वो है येन। और यहाँ का अगर आपको बोर्ड में बात करनी है किसी बिजनेसमैन से तो उसका कॉलिंग कोड है, टेलीफोन का कोड है, वो है 81। लैंग्वेज दोस्तों है जापानी। दोस्तों हम क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं जापान से, दोस्तों सबसे ज्यादा हम जापान से जो मशीनरी है, जो भारी मशीनरी है, जो ऑटोमोबाइल की मशीनरी है, वो हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों हम एक्सपोर्ट करते हैं जापान में कपड़ा, जो फैब्रिक है, टेक्सटाइल है, वूलन गारमेंट्स है, ऊनी वस्त्र है, वो हम जापान को एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों हम बहुत ज्यादा जापान को वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हैं, चावल एक्सपोर्ट करते हैं, बासमती चावल एक्सपोर्ट करते हैं, सब्जियां एक्सपोर्ट करते हैं, फल एक्सपोर्ट करते हैं, आम अमरूद केला, ये चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों जापान में। दोस्तों हम मीट भी काफी पैक्ड एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको हम काफी मसाले एक्सपोर्ट करते हैं जापान में। दोस्तों मैं हम आपको बताएंगे दोस्तों आज जापान के कुछ ना सी पोर्ट्स हैं दोस्तों, वहां पे बहुत कम पैसे में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये है अकीता सी पोर्ट्स, छिबा सी पोर्ट्स, ओसाका सी पोर्ट्स, साकेता सी पोर्ट्स और टोक्यो सी पोर्ट्स। यहाँ आप दोस्तों काफी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो फैसिलिटीज है वो जापानी गवर्नमेंट ने दी हुई है और काफी कम पैसे में और काफी रीजनेबल प्राइस में आप यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हो जापान में। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक का बहुत सा सामान हम जापान से इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में उसको उसको आप बेच सकते हैं, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बताई। मैं कुछ एयरपोर्ट्स के नाम बताता हूँ दोस्तों जापान में, जहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप काफी कम रेट में आप कर सकते हैं। दोस्तों कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां आप बहुत कम पैसे में, बहुत रीजनेबल प्राइस में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों जो डिब्बाबंद मीट है और ड्राई दूध है, सूखा दूध, पैक्ड दूध, ये सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं, ये हम डिब्बाबंद जापान में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए डीप फ्रीजर की कंटेनर की जरूरत होती है दोस्तों। तो ये जो मैंने आपको बताया, आपको सी पोर्ट, इंटरनेशनल पोर्ट्स, यहाँ पे ये सारी सुविधा उपलब्ध है और बहुत कम पैसे में उपलब्ध है। मैं आपको दोस्तों आज कुछ मार्केट्स के बारे में बताता हूँ, होलसेल मार्केट्स में जब आप जापान में एग्जीबिशन में जाएं दोस्तों, इनमें यहाँ पे जाके आप अपने प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वहां पे बायर ढूंढ सकते हैं। ये है सोपोरो सेंट्रल होलसेल मार्केट्स, नरिता होलसेल मार्केट्स, ओटा फ्लावर मार्केट्स। बहुत सारे फ्लावर्स भी जापान में एक्सपोर्ट होते हैं दोस्तों, योकोहामा सिटी सेंटर होलसेल मार्केट्स। तो ये मैंने आपको मार्केट्स में बताए जहां पे आप जाके आप ढूंढ सकते हैं या आप पता लगा सकते हैं कि होलसेल हमारे सामान के जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए कौन कौन से बिजनेसमैन या कंपनीज अवेलेबल है, या जो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कौन सी कंपनी अवेलेबल है। दोस्तों हमारी दो दिन की वर्कशॉप सुप्रिया ग्लोबल एक्सिम की अटेंड कीजिए। इसमें हम पहले दिन इंडिया के रूल रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, दूसरे दिन जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं उसके रूल रेगुलेशन, उसके लाइसेंस, उसके क्वालिटी कंट्रोल के सर्टिफिकेट के बारे में दोस्तों हम बताते हैं। दोस्तों हम एक डिजिटल प्रोग्राम भी देते हैं ताकि आप उसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके अपने सारे लाइसेंस आप खुद उसको फिलअप करके उसको मंगवा सकें, बीच में किसी दलाल की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों हमारे दो दिन की वर्कशॉप अटेंड कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट लिखिए। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो डायरेक्ट जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर मुझे डायरेक्ट कॉल करके मुझसे आप बात कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। हमारे पुराने वीडियोस जरूर देखें दोस्तों, उसमें यूरोप में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बता रखा है। थैंक यू वेरी मच।